दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते इनके जन्मदिन के अवसर पर शेत पेटी गरीबों के लिए मुहैया कराई गई है। माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान ने इसकी पहल की है। दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते इनके जन्मदिन के अवसर पर शहर के नागरिकों के लिए माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान की ओर से शीत पेटी का विमोचन किया गया। जो जरूरतमंद है या जिस परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है उन्हें इस शीत पेटी में रात भर रखा जा सकता है, ऐसी जानकारी माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान के पदाधिकारी श्याम दलाल और उनके साथियों ने दी है। दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते आज इनका जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे स्वर्गीय भगीरथी गोपालराव मते इनके स्मृति प्रीत्यर्थ में यहाँ पर माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान की ओर से दो ऐसी शव पेटी यहाँ पे रखी गई है जो गोर गरीब लोगों के कामकाज आने वाली है। जी हाँ, इसके ज्यादा जो जानकारी है यहाँ पे तमाम पदाधिकारी जो है माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान के उनकी ओर चलते हैं और उनसे हम सीधा रुक करते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताए कि जिस प्रकार से आज ये दो शव पेटी जो दिखाई दे रही है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है, आज मोहन भाऊ मते इनका जन्मदिन है और मोहन भाऊ मते समाजकारण में और अपने आप को झोंकने वाले इंसान है। उनके नज़र में ऐसा आया कि आज की इस डे टू डे लाइफ में कि बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं, किसी मरीज का देहांत होता है, तो उनके जो चाहने वाले, उनके जो नज़दीक के जो रिश्तेदार है वो आने में देर लगती है, तो ऐसे वक्त फिर वो डेड बॉडी को रखना कैसे, उनके पास भयंकर समस्या होती है। तो इसलिए मोहन भाऊ के ध्यान में आया कि अपन ने इसमें कुछ करना चाहिए, ये उद्देश्य लेके उन्होंने ये माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान की तरफ से दो शव पेटी लोकार्पण की है, लोगों के सेवा के लिए दी है। क्या नाम है आपका? श्याम दलाल। श्याम जी, ये पता कि ये जो शव पेटी है इसके क्या कोई चार्जेस लेने वाले भविष्य में? नहीं नहीं, आज तक के मोहन भाऊ ने जो भी काम किया इसका कुछ भी शुल्क लिया नहीं है। इतना बड़ा संभाजी ड्रामा हुआ, लोग इसको कैसे ले जाएंगे घर? लोग यहाँ पे हमने जो फोन नंबर दिए हैं इसके ऊपर उन्होंने कॉल करना है और ये अपना जो कार्यालय है माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान का रिशिमबाग का, यहाँ पूरी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। उन्होंने सिर्फ कॉल करना है, यहाँ आना है और यहाँ से शव पेटी लेके जाना है। तो आप थे माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान के दलाल जिन्होंने बखबीर बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा है कि ये जिस प्रकार की ये शव पेटियां जो है ये गोर गरीब लोगों के काम काज आने वाली है, बशर्ते एक नंबर दिया गया उसके ऊपर में लोगों ने इनसे संपर्क करना होगा और ये जो पेटी है उन लोगों के काम काज आएगी जो कभी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बावजूद कुछ ऐसे परिवार या रिश्तेदार के लोग हैं जो दूर दराज बाहर गाँव रहते हैं, ये समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, उन्हें दो तीन दिन का समय भी लगता है, ऐसे में वो डेड बॉडी के अंतिम दर्शन करने के लिए यही एकमात्र ऐसी शव पेटी है जो उनके कामकाज आती है। और कहते हैं ना कि मरने वाला हर कोई यही कहता है कि जिंदगी में एक बोझ मैं और भी करूंगा, लोग पैदल चलेंगे, मैं उनके कंधों पे चलूंगा। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मेरा, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।